हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये टेबल कवर का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने येलो, रेड और वाइट कलर में बनाया हुआ है। स्क्वायर में पूरा बनाया है हम, 4-4 टिक्की का करके, पूरा 16 टिक्की का यानी 16 टिक्की का हम बनाए हुए हैं ये, और बना के ज्वाइंट किए हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 60 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे और उसके बाद से 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में ले के हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद 1 2 3 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे एक एक दो हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए, पूरा 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं ऐसे। तो अब ये बनने के बाद से हम पहले वाले में लेके ऐसे तीसरे वाले पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और इसे बांध के हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए, और इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, नॉट लगाएंगे और इसमें हम कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बांध के 1 2 3 3 चेन, डबल फंदे लेंगे, 3 बुल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर। 2 टाइम क्रोशिया चलाएंगे, ऊपर ही रखेंगे डबल फंदे, फिर से 1 2 2 टाइम क्रोशिया, फिर ऊपर ये पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। उसके बाद से फिर हम 1 2 3 3 चेन, डबल फंदे लेंगे। अब यहाँ बनाए, इसके बगल वाले में हम फिर बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम 1 2 2 टाइम क्रोशिया चला लिए, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर से ऐसे 2 टाइम क्रोशिया, और ये पूरा ऊपर ही रहेगा, फिर डबल फंदे, फिर से ऐसे। अब पूरा एक में से फिर ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। देखिए, उसके बाद फिर 1 2 3 3 चेन, डबल फंदे, फिर ऐसे यहाँ पर इसके बगल में फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही 3 बुल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 पहले ऐसे बना ले रहे हैं और उसके बाद पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर 1 2 3 3 चेन, और ये एक जगह पूरा ऐसे बनाना है, 3 3 का बनाना है। बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने राउंड में ऐसे बना लिया, पूरा पूरा 12 के ऊपर हम 12 ऐसे बना लिए फ्लावर। फिर फर्स्ट वन में लिए कि हम इसे ज्वाइंट करेंगे और इसे भी बांध के हम कट करके निकाल लेंगे यहाँ पर। इसे भी बैक साइड हम लगा लेंगे अपना। अब इसके बाद से हम ये कलर लेंगे, नॉट लगा के कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बांध के 1 2 3 3 चेन, डबल फंदे लेंगे, 3 बुल क्रोशिया बनाएंगे, 1 3 डबल फंदे, फिर 3 बुल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पर 3 हम 3 बुल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे, डबल फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से 3 3 बुल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 ऐसे, फिर डबल फंदे, फिर इसके बगल में हम
एक पास तीन। तो हमने एक बनाया, उसके बगल में फिर बनाएंगे सेम जगह पर एक और दो, और फिर एक बना लेंगे तीन, यहाँ पर लाइन से तीन फिर बना लिया इसमें। उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसके बगल वाले में तीन बना लेंगे सेम, एक दो तीन, फिर यहाँ पर भी हम तीन ऐसे बना लिए, देखिए यहाँ पर तीन, और इसमें तीन बना के फाइव चेन किए थे सेम ऐसे ही। इसमें भी अब हम पहले थ्री बना लेंगे, एक दो तीन, तीन पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखिए ऐसे, फिर फाइव चेन, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर डबल फंदे, फिर से तीन बना लेंगे हम, एक दो तीन, देखिए तो ऐसे हो गया। उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें हम तीन बनाएंगे जैसे यहाँ बनाए, फिर यहाँ पर भी तीन बनाएंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर तीन बना के फाइव चेन करेंगे, फिर बनाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऐसे हमने ये बनाया हुआ है पूरा बना के हम चारों तरफ से, और फर्स्ट वन में लेके हम जॉइंट करके कट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ, और फिर दो जगह ऐसे तीन तीन बनाए हैं, फिर तीसरे जगह पर ऐसे बनाया है, फिर दो जगह तीन तीन बनाए हैं, फिर तीसरे जगह पर ऐसे बनाए हैं। तो पूरा ये 12 जगह में पूरा पूरा ऐसे बन गया है स्क्वायर में। अब उसके बाद से इसमें बनाएंगे, जॉइंट करेंगे। तो इसमें जॉइंट करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया, उसके बाद दो जगह पहले ये बना लेंगे, तीसरे जगह पर फिर ऐसा बनाने के लिए ऐसा बना के, और उसमें ही हम एक दो दो चेन करके पहला हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे ऐसे, देखिए फिर दो चेन करेंगे, फंदे डबल लेंगे, और ये सेम जगह पे ही फिर से तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, देखिए तीन ऐसे बना लिए, डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर पहले हम तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, देखिए तीन ऐसे बना लिए। अब इधर का जो ये हम बनाए हैं दो, देखिए इसमें भी बना है, तो ये तीन के बगल में जो जगह है उसमें जॉइंट करना है। तो ऐसे लेके, और ये सीधे साइड से, ये उल्टे साइड से ऐसे लेंगे, देखिए ये तीन छोड़ के ये मिडिल में हम ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं, डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर सेम चीज़ें बनाना है हमें ऐसे, एक दो तीन, देखिए यहाँ बीच में हमने जॉइंट किया, और यहाँ पर फिर डबल फंदे, फिर इसमें बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर हम एक दो चेन करके, और फिर इधर कॉर्नर वाले में जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, सेम चीज़ है इसमें, एक दो तीन, देखिए ऐसे ये जॉइंट हुआ, इधर जॉइंट हुआ, ये मिडिल में जॉइंट किया, फिर इधर कॉर्नर पे जॉइंट किया, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ तीन बनाएंगे लाइन से, और उसके बगल में फिर से तीन बना लेंगे, देखिए यहाँ तीन त्रिबुल क्रोशिया, डबल फंदे, फिर इसमें भी तीन त्रिबुल क्रोशिया, और फिर इसमें तीन बना के फिर ऐसा बनाना है। तो ये बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम पूरा चारों तरफ से। तो देखिए हमने ये दो जॉइंट किया सेम ऐसे ही, फिर बनेगा जॉइंट होगा, तो पहले इसमें जॉइंट करेंगे, फिर ये मिडिल में जॉइंट करेंगे, और फिर इधर जॉइंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीन जॉइंट पड़ेगा। तो ऐसे ही बनाते हुए हम और बना ले रहे हैं, फिर इसे जॉइंट करने के दिखा रहे हैं। तो हमने ऐसे फोर जॉइंट किया, देखिए फोर टिक्की ऐसे जॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद हम इस साइड जॉइंट करेंगे, तो इधर जॉइंट करने के लिए देखिए हमने ऐसे बना लिया एक जगह ऐसे, फिर दो जगह ये तीन तीन बना लिए, तीसरी जगह पहले तीन बना के दो चेन करेंगे, और पहला हम यहाँ जॉइंट करेंगे ऐसे लेके, और ऐसे जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर, फिर एक दो चेन सेम जगह पर फिर से हम बनाएंगे त्रिबुल क्रोशिया, एक दो तीन ऐसे,
बना लिए जॉइंट करके, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें हम तीन त्रिबुल क्रोशे पहले बना लेंगे, एक दो एंड तीन, तीन यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद से हम डायरेक्ट देखिए इसमें ये जॉइंट के बाद से जो ये दो बचा है दोनों के बीच में हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरा जॉइंट हो गया, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें हम तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, पहले तीन बना के और उसके बाद से हम देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद से फिर डबल फंदे लेंगे और यहाँ पर फिर हम पहले तीन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इधर जॉइंट किए बीच में ऐसे ये बना के बीच में जॉइंट किए, फिर ये तीन बना लिए, फिर तीन बना के दो चेन करेंगे और फिर जॉइंट करेंगे यहाँ पर। ये दोनों जॉइंट है इसके बीच में हमें जॉइंट करना है, तो ऐसे लेंगे और बैक साइड से ऐसे लेके हम ऐसे लेके बांध लेंगे, फिर एक दो चेन, डबल फंदे, फिर से सेम जगह पे तीन त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, देखिए ऐसे। अब उसके बाद डबल फंदे, फिर यहाँ पर तीन त्रिबुल क्रोशिया और फिर यहाँ तीन त्रिबुल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ऐसा बनेगा कॉर्नर इसका। तो हम बनाते हुए ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना लिए, देखिए पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीन जॉइंट करके ये बनाए हैं। तो इधर ऐसे बना लिए, अब इस साइड हम जॉइंट करेंगे। तो इधर जॉइंट करने के लिए देखिए पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फाइव जॉइंट पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमने ऐसे बना के और ये तीसरे जगह पर देखिए ये बना लिए हैं तीन, उसके बाद दो चेन कर लिए, पहला यहाँ जॉइंट कर लेते हैं ऐसे और फिर दो चेन करके डबल फंदे लेके तीन त्रिबुल क्रोशिया पहले बना लेंगे, एक दो तीन, देखिए। अब उसका डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पहले तीन त्रिबुल क्रोशिया एक जगह बना लेंगे, एक दो एक तीन, तीन ऐसे बना लेंगे। अब उसके बाद ये बीच में हमें ज्वाइंट करना है, ये दोनों देखिए ये है, इसके बीच में हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पर, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर ऐसे, एक दो तीन, तीन ऐसे कर लिए, देखिए बीच में जॉइंट हो गया। उसके बाद से फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें पहले तीन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन त्रिबुल क्रोशिया बना के एक दो चेन, और ये बीच में तीनों जॉइंट है इसके बीच में हमें जॉइंट करना है। तो ऐसे लेके मिडिल में हम ऐसे लेके जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, सेम जगह पे फिर से तीन त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर बनाए हैं, एक दो तीन, देखिए। तो इधर साइड ये जॉइंट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर या बीच में। अब उसके बाद डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर पहले तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे दूसरे वाले में ऐसे, एक दो तीन, यहाँ पर तीन बना लिए हैं। अब उसके बाद से हम ये बीच में जॉइंट कर लेंगे, देखिए इसके बीच में हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ें, एक दो तीन, देखिए फिर एक, अब यहाँ पर ये बन गया और देखिए ये बीच में जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद फंदे लेंगे और यहाँ पर फिर हम पहले तीन बना लेंगे, एक दो तीन, देखिए तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लिए, फिर दो चेन कर लेंगे और दो चेन करके अब यहाँ पर हमें जॉइंट करना है यहाँ पर, ये दोनों जॉइंट है इसके बीच में। तो ऐसे लेके ऐसे, फिर एक दो चेन, डबल फंदे, फिर सेम जगह पे पहले तीन, ऐसे डबल फंदे, फिर यहाँ पर तीन त्रिबुल क्रोशिया, फिर यहाँ पर तीन त्रिबुल क्रोशिया, फिर इसमें जॉइंट कर लेंगे हम।
तो देखिए हमने ये भी बना लिया। तो इसमें देखिए यहाँ ज्वाइंट किया, फिर यहाँ ज्वाइंट किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 1 2 3 4 5 जगह ज्वाइंट पड़ा। तो ऐसे ही इधर फिर बनाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एक, फिर ये दोनों के बीच में यहाँ पर दो, फिर यहाँ तीन, फिर इधर ये दोनों के बीच में चौथा जगह, फिर यहाँ पाँचवा जगह, ऐसे बनेगा। तो इधर साइड भी ऐसे ही बनेगा। और इधर बनाएंगे तो पहला यहाँ, दूसरा इसके बीच में, तीसरा यहाँ, तीन ज्वाइंट पड़ेगा। तो इस साइड बनाएंगे तीन ज्वाइंट पड़ेगा, ऐसे बनाएंगे तो 5 ज्वाइंट पड़ेगा। तो ऐसे बनाते हुए अपने हिसाब से जितना लंबा चाहिए हम लोग बना सकते हैं, तो हम और बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे 4-4 का स्क्वायर में पूरा बना लिया, यानी 16 टिक्की का हम पूरा पूरा बना चुके हैं। आप लोग को जो साइज़ का चाहिए उसका बना सकते हैं आप लोग, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट, जो भी चाहिए आप लोग बना सकते हैं। हम इसके अगर झालर लगाएंगे तो हम इसमें पफ वाला ही झालर बना रहे हैं, कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ले के नॉट पहले लगाएंगे और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसे लेके मिडिल में ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 चेन। आप लोगों को चाहिए तो एक स्टेप से ऐसे चेन स्टिच बना के तब पफ फ्लावर बनाएंगे, या तो झाला लगा सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट पफ वाला फ्लावर बनाएंगे, धागे को खींच के, और ऐसे 1 1 2 3 4 5 इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे चेन को इसके ऊपर चढ़ा के, ऐसे 1 2 3 4 5 5 चेन। अब इसमें हम मिडिल में ऐसे जॉइंट कर लेंगे एक कॉर्नर पे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे हम 5 चेन करके, फिर पफ बनाएंगे ऐसे धागे को खींच के, 1 2 3 4 5 ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे चेन के इसके ऊपर चढ़ा के, ऐसे फिर 1 2 3 4 5, फिर इसके मिडिल में, फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर इसके मिडिल में, फिर ऐसे मिडिल मिडिल में बनाते हुए हम पूरा चारों तरफ से ऐसा बना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये चारों तरफ से बना तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।